परिक्यू न्याय दाबीरे दिनकु दिन तेजुची आंदोलन वर्तमान समय रे जदि देखिबा प्रत्येकटी जिला स्तर रे मध्य प्रत्येकटी संगठन तरफर मध्य आंदोलन तेजीबारे लागुची। मु आपनकु सीधासळख चित्र देखाउची वर्तमान ब्रह्मपुर सहर रे चित्र। ब्रह्मपुर रे मध्य आज एबीपी पक्षरु मध्य आंदोलन को तीव्रतर करा जायची। दुईटी कथा आसुची जे जेंबुली भापरे परीर हत्याकांड को नेकी 5 वर्षर निरीह झियर हत्याकांड को नेकी मंत्री अरुण साहूंकर केउटी ना केउटी संपृक्त थिबा गुटे अभियोग अन्यपटे सीबीआई तदंत ए दुईटी कथा को नेकी वर्तमान एबीपी मध्य तांकर कुशपुतलिका दाह करबा पई मो वर्तमान समय रे ब्रह्मपुर सहर रे मुख्य रास्ता रे मध्य रहिछंती जेंबुली भापरे नारा देउछंती सीधासळक आलोचना करबा। आज्ञा कोन कहबे आजर दाबी कोन रहउछि कोन पई एभली भापरे आंदोलन को तीव्रतर करा जाउछि। परी जेंबुली भापरे गोटे निरीह झियो को हठात उठाय निया गला हठात अपहरण अन्यपटे मंत्री संप्रति अभियोग देखु नयागढ़ जिले में पांच वर्षर झी परीर हत्या आज को पांच मास बीतीगला निजे उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहूंकर निर्वाचन मंडल ए घटना आज पर्यत जड़े भी कई दोषी संप्रत हो आज पर्यत जेल को जाना गोटे पांच वर्षर झीवर किडनी बिक्री करवा आखि बिक्री करवा के यथार्थ आज पर्यत अरुण साहू ए भितर संश्लिष्ट अच्छा एक स्पष्ट हो सारी एक मानते सारा समाज मत जान सारे कि उच्चशिक्षा मंत्री अरुण साहू कौ भाव पांच वर्षर हत्याकारी मान मैंने घंट गुड़े लुचापे चेषा करोड़े लोक प्रेसराइज कर राज्यर मंत्री पद को पूरा कड़ को नियोजक मानने कड़ को नियोजक कर कौ भाव जो परी को न्याय न मिल पारे जो भाई भाव तार दोषी मान धरा न पड़ती अपप्रचेषा कर तो आम डिमांड करूँ अरुण साहू तुरंत मंत्री पदर इस्तफा दिंतु ना से एस आई टी हूँ क्राइम ब्रांच हूँ यार तदंत के निरपेक्ष गोटे कथा आप सीबीआई सीबीआई को तदंत कर आवश्यकता रही गोटे आप दाबी करतमान पक्ष जो एस आई टी टीम गठन रही आपंकर विश्वास होना राज्य सरकार अधीन जिते तदंत केबे मध्य विश्वास होनी कहीं एस आई टी जो व्यक्ति मैंने कार्यरत अच्छा से मैंने राज्य सरकार अधीन कार्यरत अच्छा एणु राज्य सरकार अर्थात मंत्री अरुण साहू से मानक जो भाई भाव में कहे से हीपरी भाव कार्य करेंगे एणु आम मान दाबी होदि सीबीआई यही घटना को तदंत कैसे पांच वर्षर शिशु परी को निश्चित रूप से न्याय मिले एणु आम आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज एठारे आंदोलन करुछु निश्चित भाव गोटे आंदोलनात्मक पंथा अवलंबन कहीं जेहेतु यही अभियान एबीपी बहु पूर्व जारी रखी प्रत्येक जिला स्तर में कौन कहे भाई केमती देखुं परीर घटना को लेकिन वर्तमान युवपीढ़ी मैंने आंदोलन को ओल्लैला पांच वर्षर झील केमती न्याय पाइब सर यार पूरा निरपेक्ष तदंत हवा पड़ो ना जो आम राज्य सरकार यही तदंत को खाली चपे देवाई चेष्टा करमी खाली प्रशासन खाली चाहिए ये जिनसटा को चपे देवा से आम आम एबीपी तरफ आम वार्निंग देखे जदि यहाँ आमर परीर तदंत निरपेक्ष भाव न हो तेज पुणी आंदोलन जोरदार हम आंदोलन जोरदार हम ये गोटे प्रासंगिकता आस कौन कहे कमी देखु पूरा घटना को बर्तमान पांच मस है परी को जीपरी परी को न्याय मिल पार ना से अरुण दाई अरुण साहू ही दायी कारण एक दृढ़ नेता जी कि मंत्री पद वर्तमान अच्छा जदि से मंत्री पद था विरुद्ध विरुद्ध जदि किसी ई हुए तो तार निरपेक्षता रही सी तार ई को चापी देवे तेणु आम दाबी करुण साहू का इस्तफा आम दाबी कर बर्तमान राज्य सारा एबीपी आंदोलन चलते बर्तमान ब्रह्मपुर में अरुण साहू कुशपुतलिका दाह कर निश्चित भाव जमी भाव में उन्ट झटिश कथा कहवा अंपटे एबीपी जो भाव में आंदोलनात्मक कथा अवलम्बन करना जो भाव में गोटे निरीह पांच वर्षर झील किसी कम कथा नुहे जो भाई भाव में प्रथम अपहरण करवा अंपटे जो भाई भाव में जमीती कहीपर जे हत्या करवा तार हाड़ को से घर को आंदोलन देखो सारा राज्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तरफ नारी को सुरक्षा देवाई नयागढ़ पांच वर्षर कुनी झील परी को न्याय देवाई आज सारा राज्य आंदोलन ठिया कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देखो माने परी को से पांच वर्षर छुआटे से दुनिया कौन जाणी ना कि तार आखि तार
ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାକୁ ମାରିଦେଇ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଜେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଅଧୀନରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବପିଢ଼ିଠି ଆରମ୍ଭ କରି ଯେମିତିକି ଏବିପି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛି। ତ ଆଶା କରିବା ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହିଷ୍କାରର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବହିଷ୍କାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାଗ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।